काव्यांत्रिकी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अनुज कह सकती हूँ नवीन सिंह को आमंत्रित करना चाहूंगी। नवीन, 12 बज रहे हैं लेकिन तुम्हें बैठना पड़ेगा, ये नहीं है कि आप बैठेंगे नहीं हाँ, उसमें। अभी गजल में इसको लास्ट में ही बुलाना था, लास्ट में बुलाना था, ये कॉलेज में तो मिला नहीं, इसकी रैगिंग ठीक से हुई नहीं है। सर मैं फूल गिन रहा हूँ, आज भी गिने हैं मैंने। स्वागत है नवीन। तो सबसे पहले वाराणसी से मेरे स्कूल के टीचर आशीर्वाद के रूप में जुड़े हैं श्री अरविंद सर को मैं प्रणाम करूंगा, और मेरे HBTI के समस्त सीनियरों और दोस्तों को प्रणाम। साथ में मेरे मित्र दुबई से भी जुड़े हैं, उनको भी नमस्कार करते हुए मैं कविता पढ़ता हूँ। तो आज गजल है, तो गजल अभी डिस्कस हो रहा था, गजल की टेक्निकलिटी मुझे पता नहीं है। तो शुरू करता हूँ मैं प्रेम से ही। आज मान लीजिए कि प्रेम रस है, ज्यादा वीर रस पे कविता सुना के एक लेबल लगता जा रहा था, तो उसको मैं थोड़ा हटाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले, कभी मुझसे किसी ने पूछा कि कितना प्रेम करते हैं, तो मेरा जवाब था, काश प्रेम का हिसाब होता, काश प्रेम का हिसाब होता, मैं साहूकार जमाना कर्जदार होता। क्या काश बात, प्रेम का हिसाब होता, मैं क्या साहूकार जमाना कर्जदार होता। रईस खातेदार होते हजार, रईस खातेदार होते हजार, दिवालिया होते बारंबार, दिवालिया होते बारंबार। वसूली के डर में मुझे याद रखते, वसूली के डर में मुझे याद रखते, बद्दुआ में ही सही मेरा नाम जपते, बद्दुआ में ही सही मेरा नाम जपते। तो ये तो कुछ लाइन है कि प्रेम को कोई पूछता है ना कितना प्यार करते हैं, तो अब हनुमान तो है नहीं, तो मैंने एक प्रयास किया था उस समय। तो आगे की लाइनें प्रेम से ही संबंधित है। दो प्रेमी हैं, प्रेम बहुत तो सच्चा है, गहरा है, लेकिन कुछ आपसी मनमुटाव हो गया है, एक कल्पना का संसार है। तो लड़का सोचता है कि अब तो लगता है लड़की नाराज हो गई है और वापस नहीं आने वाली है, लेकिन वो प्रयास करता है। तो इसमें पहली बात है कि प्रेम बहुत गहरा है, दोनों तरफ से सच्चा है, मनाने की प्रबल इच्छा है। तो जो दलीलें लड़का देता है कि वापस आ जाओ, कहाँ जा रही हो, तो इसमें थोड़ा बहुत वीर रस दिखेगा। तो हो सकता है मानवीय सर बोले कि तुम प्रेम में भी वीर रस घुसा दिए हो। तो सुनिएगा, मान लेंगे तुम्हारे गिले शिकवे सारे, मान लेंगे तुम्हारे गिले शिकवे सारे, जो उसी प्यार का तुम वादा करो। लाओ कर दे दस्तखत तुम्हारे कोरे कागज पर, लाओ कर दे दस्तखत, जो लिखना हो लिख लो, मेरी गलती है। लाओ कर दे दस्तखत तुम्हारे कोरे कागज पर, साफ दिल से लिखने का इरादा करो, साफ दिल से लिखने का इरादा करो। इसका लड़के का ढिठाई देखिए। छोड़ देंगे तुम्हारे सपनों में आना, छोड़ देंगे तुम्हारे सपनों में आना, जो दिन में हमें भूल जाने का इरादा करो, जो दिन में हमें भूल जाने का इरादा करो। फिर आगे क्या दलील देता है, मेरी मेरी यादों की दरिया को पार कर, मेरी यादों की दरिया को पार कर, तुम किसी और किनारे की सोचना कभी, तुम किसी और किनारे की सोचना कभी, पर जरा बच के रहना, मेरी प्यार की लहरें मेरी ओर ही झोंक देने कहीं, मेरी ओर ही झोंक देना कहीं। बहुत ठीक है। फिर क्या बोलता है, चले जाएंगे तेरे जेहनो जहां से, चले जाएंगे तेरे जेहनो जहां से, जो पलट के न देखने का इरादा रखो। तो आगे, जैसे आमतौर पर किसी से अनबन हो जाए तो लोग क्या करते हैं कि उसकी निशानियों को मिटा देते हैं, लगते हैं तोड़ने फोड़ने, उसकी फोटो हो, तस्वीर हो, जो भी हो। तो प्रेम में आमतौर पर निशानी होती है लिखे गए खत। ये आज डिजिटल जमाने की बात नहीं है, मान लीजिए 20 साल पहले, मैं भी संजीव सर इसको अच्छे से रिलेट हाँ, मेरे कर पास तो अभी भी खत पड़े हुए हैं वो उस टाइम के, अभी भी संभाल रहा करते हैं। तो उन खतों को याद करिए, और क्या बोलते हैं, वो बोलता है, तो लड़का बोलता है, जलाना चाहो तो बेशक जला देना मेरे खतों को, जलाना चाहो तो बेशक जला देना मेरे खतों को, लेकिन
याद रखना, उन्हें कुचलना भूल न जाना, उन्हें कुचलना भूल न जाना, मेरे एहसास हैं जलकर भी उभर आएंगे, मेरे एहसास हैं जलकर भी उभर आएंगे। कागज जलाइए उसमें दिख जाता है जो जो लिखा है, तो उसके एहसास रहते हैं लड़की के। बहुत देखा है भाई, लग रहा है तुमने। तो फिर सर देखता है कि अब लड़की जो है एकदम हिल नहीं रही है, मतलब उसका मूड जज करते रहता है। फिर बोलता है आगे की दो लाइनें, बोलता है चांद तारे, बड़ा इमोशनल होके बोलता है, चांद तारे रखना अपने दामन में तुम, चांद तारे रखना अपने दामन में तुम, पहले बताओ मेरा सूरज लौटा पाओगे क्या, पहले बताओ मेरा सूरज लौटा पाओगे क्या। तो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसका ब्रह्मास्त्र देखिए, ये सब लड़कों का प्रेम में ब्रह्मास्त्र होता है। नशा मैंने कोई किया नहीं दूजा, नशा मैंने कोई किया नहीं दूजा, सिवाय एक तेरे प्यार के। अभी जाम की बातें चल रही थी। नशा मैंने कोई किया नहीं दूजा, सिवाय एक तेरे प्यार के, जो इसे छुड़ाने जाओगे सनम, कहीं मेरी सांसें ही न छूट जाए। तो ये ब्रह्मास्त्र मार देता है। अब पता नहीं लड़की मानती है, वापस आती है कि नहीं, कभी फिर कविता बनेगी तो सुनाने का प्रयास करूंगा। तो ये थी कविता।